वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे एंटिटीज़ के बारे में। तो कनेक्शन वगैरह हमने सारी चीज़ कर ली हैं टाइप वगैरह में, अब बनाते हैं हम अपनी एंटिटीज़। तो एंटिटीज़ क्या होती हैं? एंटिटीज़ को बोल सकते हैं क्लास हैं, जो कि हमारे जो डेटाबेस हैं उसमें जो टेबल बनती है उनको मैप करने के काम आएंगी। ठीक है, वो कैसे? यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर का नाम कुछ भी रख लो। तो हम एंटिटी बनाने वाले हैं, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर का नाम भी इसमें एंटिटी रख देता हूँ मैं। ठीक है, अब उसके अंदर जिस नाम की मेरे को टेबल बनानी है, मतलब उसका नाम तो कुछ भी रख देना, वो तो क्लास से फ़र्क पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ यूज़र की। ठीक है, यूज़र डॉट टी एस। इसका मतलब ये हो गया कि मैं एक टेबल बनाने वाला हूँ जो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, और उसी से मैं इंसर्ट डिलीट वगैरह सारी चीज़ें करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, एंटिटीज़ बोलते हैं उसी को। तो यहाँ पर इम्पोर्ट करनी पड़ेगी हमें एंटिटीज़। कहाँ से करनी पड़ेगी? वो मॉड्यूल हमारा जो है टाइप ओ आर एम, टाइप ओ आर एम। ठीक है, टाइप ओ आर एम से हम क्या निकालेंगे, एंटिटीज़ निकालेंगे। उसके बाद उसमें कॉलम निकालेंगे, उसमें क्योंकि कॉलम बनाने होंगे ना हमें टेबल के अंदर। जो कॉलम बनते हैं नेम, आईडी, फील्ड, और जो आईडी होती है वो जो नॉर्मली हमारी ऑटो इंक्रीमेंट होती है, तो उसके लिए हम इसमें यूज़ कर लेंगे प्राइमरी कॉलम जनरेट कॉलम, जो अपने आप जनरेट करेगी ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद हम कर लेंगे इसमें बेस एंटिटी भी, जो इसके पास है उसको एक्सटेंड करवा लेंगे अपनी क्लास में। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास बनाने वाले हैं, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एंटिटीज़, क्योंकि ये एंटिटी है ना हमारी, ये लगा दी एंटिटी। उसके बाद बस यहाँ से डायरेक्ट इसको एक्सपोर्ट करेंगे, अपनी क्लास का नाम रखेंगे, क्लास होगी हमारी यूज़र। ठीक है, तो यूज़र नाम से हमारी टेबल बन जाएगी डेटाबेस के अंदर, वो देखना भी कैसे बनेगी। इसमें एक्सटेंड करवा लेते हैं बेस एंटिटी। अब आते हैं की ऐड करते हैं हम। ठीक है, तो की जो ऐड करेंगे, एक मिनट ये आएगा। ठीक है, तो जो की ऐड करेंगे, पहली की होगी आईडी, जो कि प्राइमरी की वो होती है हमारी ऑटो इंक्रीमेंट, तो इसलिए उसके आगे मैं कर दूंगा ऐट द रेट प्राइमरी, ये प्राइमरी जनरेटेड कॉलम। ठीक है, आईडी जो कि नंबर में होगी उसका टाइप बता दो आप। उसके बाद अब कॉलम बनाएंगे हम, कॉलम, कॉलम का नाम बताओ। कॉलम का नाम मैं रखूँगा नेम, होना चाहिए मेरे पास जो कि स्ट्रिंग में होगा, और इसको ऐसे कर देता हूँ, नेम होना चाहिए। फिर दोबारा कॉलम, कॉलम दूसरा कॉलम मेरे पास ईमेल होना चाहिए, वो भी स्ट्रिंग में होना चाहिए, और फ़ोन नंबर कॉलम, फ़ोन नंबर। तो इस तरीके से आप अपने फील्ड बना सकते हो, जो भी है, नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है। ठीक है ना, तो वो अपने आप हिसाब से रख लेना क्या क्या है वो। तो फ़ोन नंबर को भी स्ट्रिंग डाल देता हूँ मैं, ये मेरा तैयार हो गया। ठीक है, अब ये देखो कि जैसे ही मैं लोड करूँगा यहाँ पर जो टेबल है, अबाउट वाला जो डेटा बेस है मेरा, इसमें एंट्री आ जाएगी। अभी नहीं आएगी, अभी मैंने कहीं पर भी ना तो इम्पोर्ट करा ना ही मैप करा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं आई एम पी इम्पोर्ट, जो हमारा मॉड्यूल है। मॉड्यूल हमारा कहाँ पर है, ये हमारा एंटिटी के अंदर यूजर। ठीक है, और वहाँ से हमने एक्सपोर्ट भी कर रखा है यूजर को। तो देखो हम कौन सी एंटिटी यूज़ करने वाले हैं, इसी में एक और की बढ़ाएंगे हम, एंटिटीज़ ये रहा। ठीक है, इसमें हम बताएंगे कि भाई हम एंटिटी यूज़ करने वाले हैं कौन सी। अभी हमारे पास सिंगल है, तो सिंगल यहाँ पर डाल देंगे इसको यूज़र। ठीक है, अब ये रीस्टार्ट करेगा और यहाँ पे इसको क्रिएट कर देगा। इसने क्रिएट नहीं करी, कर दी, ये देखो आईडी, नेम, फ़ोन नंबर ये आ गया। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें एक होता है लॉगिन, लॉगिन ट्रू। तो जो भी इसके पीछे काम कर रही होती है ना चीज़ें, इंसर्ट की, डिलीट की, वो अपने आप यहाँ पे प्रिंट करवाएगा इसको। अगर मैं इस टेबल को यहाँ से उड़ा देता हूँ, यहाँ से इस टेबल को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको रीस्टार्ट करते हैं, एनपीएम स्टार्ट। अब यहाँ देखना जो जो चीज़ें हो रही होंगी इसके पीछे, कि पहले डेटाबेस सेलेक्ट करेगा, फिर ये देखो क्रिएट कर दी इसने टेबल को, आईडी, जो भी फील्ड है, ऑटो इंक्रीमेंट था, नेम लिया था हमने नॉट नल, तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर ये चीज़ें क्रिएट होगी यूजर नाम से। ठीक है, अब आपके पास एक और मॉडल है, जैसे एक एंटिटी है,
तो मैं एक और बना देता हूँ, तो इसका जो नाम है वो हम रख देते हैं, नाम क्या रखें इसका, चलो कार्ड कर देता हूँ मैं। और हाँ, ये कैप्स में स्मॉल में किस में भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। जैसे यूजर में मैंने यू कैप्स कर दिया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये कर दिया, सेम मैं एज इट इज़ इसको कॉपी करूँगा, मैं यहाँ डालूँगा, इसको मैं कर दूँगा कार्ड, और उसमें मैं ले लूँगा नेम की जगह टाइप, और टाइप के बाद ले लेंगे कैटेगरी। बस ये दो फील्ड ले लिए मैंने, और इस फ़ोन नंबर को मैं हटा देता हूँ, इसको मैंने सेव करा। अब हम यहाँ पर आते हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यूजर डाला है तो उसके साथ एक और डालना पड़ेगा, तो ऐसे हम कितने सारे ऐड करते जाएंगे। इससे सही हम क्या करेंगे भाई, इसका पाथ बता देंगे, इसको हटा दो, इसको कमेंट कर दो। यहाँ पर जो भी एंटिटी है ना, कि कहाँ पर हमारी एंटिटी रखी हुई है, हम उसको बता देंगे भाई हमारी जो एंटिटी की लोकेशन है वो। अब जाओ एंटिटीज़ के अंदर, एंटिटी टेबल मतलब जो फोल्डर है हमारा उसके अंदर जाओ, वहाँ पे जो भी स्टार डॉट टी एस जिस पर मतलब जाओ भी टी एस वाली फाइल है उनको देख लो आप, ठीक है। ये आपकी सिरदर्दी है, उन सबको इंक्लूड करना, हमने आपको बता दिया है। अब ये रीस्टार्ट होगा तो पहले तो यूजर वाली टेबल को क्रिएट करेगा, अगर क्रिएट है तो कोई नहीं करेगा वो, और कार्ड को कर देगा, तो जो भी है उनको क्रिएट करेगा, वो सिंक कर रखा है ना हमने इसलिए। अब मैं इसको करूँगा तो ये देखो कार्ड वाली भी आ गई, ठीक है। ये देखो ऑटो इंक्रीमेंट आई है और स्ट्रिंग है मतलब वेर केयर है। तो इस तरीके से आप अपने एंटिटी को क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही है कि आपने एंटिटी कैसे बनाई है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इनमें डेटा डालेंगे, उसके बाद फैच करेंगे, डिलीट करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।